हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी रोशन पहाड़े। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे एक लेक्चर देने वाले हैं, तो कार्बन के चैप्टर पे जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है उसका आज लेक्चर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर मैं इसीलिए आपको देना चाहता हूँ बिकॉज आपको एक बार समझ में आया कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा रहे हैं और जो भी क्वेश्चन आपको पूछा गया उसका वेटेज क्या है और आपको उसका आंसर कितना लिखना है। तो फर्स्ट हम लोग जो वन मार्क के क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करेंगे। मैंने 11, 12, 13, 14, 15 इस हिसाब से जो ईयर्स है इसके क्वेश्चन यहाँ पे निकाले हैं। 2012 में वन मार्क, अभी ये सारे वन मार्क के हैं। 2012 में हम लोगों ने जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है वो ये कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना था N2 का। आपको अगर याद हो हमारा सेकेंड चैप्टर सेकेंड जो लेक्चर था इसमें मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग सिखाई थी, उसमें मैंने आपको नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था। वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो एक बार वो देख लो। तो आपको याद होगा एक कार्बन की जितनी वैलेंसी होती है उतने डॉट्स हम लोग ओवरलैप में बनाते हैं। तो ये तीन डॉट उस तीन वैलेंसी के थे और जो 5-3 जब हम करते हैं, 5 यानी आउटरमोस्ट शेल में और वैलेंसी 3, तो आपके पास 2 बच जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहर ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर आता है। तो वन मार्क का क्वेश्चन, तो आपको इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन है इसके अंदर, आई मीन इतना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है और सर्कल्स जो डॉट थे उतना सिर्फ आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, अब 2015 में ये क्वेश्चन तीन अलग अलग जगह पे आया था कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आपको बताने हैं। एक क्वेश्चन था कि इथेन में कितने हैं, प्रोपेन में कितने हैं और ब्यूटेन में कितने हैं। सेम ईयर में क्वेश्चन पूछा है, 2015 में ही ये क्वेश्चन आया था। अब देखिए, फॉर एग्जांपल इथेन है, आपको पता है कि इथेन यानी कि अल्केन हो जाता है। अल्केन का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं CnH2n+2 और इथ से रिप्रेजेंट होगा कि इट इज हैविंग 2 कार्बन, तो यहाँ पे मैं इन की वैल्यू कितनी प्लेस करूंगा, 2। सो इट विल बी C2H2 × 2 + 2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आता है, C2 2 × 4 4 + 2 6, यानी कि C2H6। और ये ALE है, यानी जो दो कार्बन होंगे उसके बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, तो CC के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। बाकी तीन जगह पे आप इसके क्या करेंगे, हाइड्रोजन को कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे हर जगह पे ये जो भी बॉन्ड्स हम लोगों ने यहाँ पे बनाए ये सब की सब कोवेलेंट बॉन्ड है, तो अपने जितने बॉन्ड्स बनाए आपको सिर्फ उसको काउंट करना है। सो इस कार्बन के 1, 2, 3, 4 और इस कार्बन के 4, 5 और 6, ऐसे कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ऐसे कुल मिला के इनके 7 बॉन्ड्स यहाँ पे हो जाते हैं। इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन के साथ, 3+3 = 6 और ये कॉमन बॉन्ड वो हो जाता है 7। सिमिलरली प्रोपेन एंड ब्यूटेन के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे, एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और सारे जो बॉन्ड्स है वो गिने, तो प्रोपेन के जो बॉन्ड्स है वो 10 आएंगे और ब्यूटेन के जो बॉन्ड्स है दैट विल बी 13। इस हिसाब से वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, 2013 एंड 2012 में दोनों में एक सवाल पूछा है कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है हमारा C3H8, इसका स्ट्रक्चर आपको बताना है। तो C3H8 का स्ट्रक्चर अभी आप कैसे बनाएंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे तो ऑलरेडी वो आ गया था C3H8 में। आपको क्या करना है, पहले 3 कार्बन ड्रॉ कर लिया, क्लियर, और उसमें आपको 8 हाइड्रोजन चाहिए। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पे क्या बचेगा, फिर सिंगल बॉन्ड ही बचेगा, बिकॉज ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डबल बॉन्ड दे तो इस पर्टिकुलर कार्बन की वैलेंसी भी 5 हो रही है, ये तो समझो आपने आगे का दिया नहीं था, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पे हमेशा सिंगल बॉन्ड आएंगे। तो 12 और 13 में दोनों साल एक एक मार्क के लिए ये क्वेश्चन आपको पूछा था। नेक्स्ट, आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखना था हेक्सेन का और बेंजीन का। 2012 में ये क्वेश्चन आपको पूछा था कि हेक्सेन क्या है और बेंजीन क्या है। अगेन हेक्सेन, आपको पता है हेक्स का मतलब यहाँ पे 6 है और ANE मतलब सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एन की जगह पे आप 6 सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपका जो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी C6H14। नेक्स्ट बेंजीन, बेंजीन जो होता है ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे आएंगे आपके डबल बॉन्ड्स, इस तरीके से हम लोग उसको लिखते हैं। तो हर वर्टेक्स पे क्या होता है, एक एक कार्बन प्रेजेंट होता है और हर कार्बन की आपको 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है, या हर कार्बन की एक एक ही वैलेंसी कंप्लीट है, तो एक एक वैलेंसी को हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपका फाइनल आंसर क्या बन जाता है, C6H6। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक 2012 में और एक 2015 में। आपको फंक्शनल ग्रुप दिया है, आपको सिर्फ बताना है कि वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वन वन मार्क के लिए। तो डैश सी डबल बॉन्ड ओ एच नॉमिनेशन में मैंने आपको बताया है इट इज फॉर एल्डिहाइड, डैश सी डबल बॉन्ड ओ डैश दिस इज प्रेजेंट फॉर कीटोन, ये मेरे फंक्शनल ग्रुप के लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये 2012 में था। अगेन 2015 में क्वेश्चन आया है कि डैश ओ एच है तो ये क्या हो जाएगा, एक अल्कोहल हो जाएगा, डैश सी डबल बॉन्ड ओ डैश ये किस में जाएगा, कीटोन में जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए ये जो क्वेश्चन था कि सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज,
सेकंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज में आपको बताना था CnH2n का सेकंड मेंबर कौन सा है। अब CnH2n का सेकंड मेंबर मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका फर्स्ट मेंबर कौन सा है। CnH2n का जो ग्रुप है इसमें कभी भी C की वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं होती है, बिकॉज जब भी हम लोग ऐप लिखेंगे तो मैंने आपको लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता है आपको अगर याद हो तो। ऐसा जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर कभी भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे बिकॉज हाइड्रोजन की 2 वैलेंसी नहीं होती है। कार्बन की वैलेंसी बदली सेटिस्फाई हो रही हो, हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर है CnH2n का ये इथीन है बिकॉज H2n जब यहाँ पे सिर्फ 2n है तो ये मैं डबल बॉन्ड के लिए कंसिडर करूंगा। 2n प्लस 2 है तो सिंगल बॉन्ड, 2n माइनस 2 है तो मेरा ट्रिपल बॉन्ड आएगा, लेकिन CnH2n है सिर्फ तो वो मैं डबल बॉन्ड में कंसिडर करूंगा। तो जो फर्स्ट मेंबर है वो अगर इथिन है तो मेरा सेकंड मेंबर यहाँ पे प्रोपीन हो जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। नेक्स्ट, अब 2012 एंड 15 में ये क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि C3H8 जो है इसके आगे के दो मेंबर्स कौन से आएंगे विद रिस्पेक्ट टू होमोलॉगस सीरीज। तो C3H8 का क्वेश्चन आपको दिया, आपको ये बताना है नेक्स्ट दो मेंबर्स कौन है इसकी होमोलॉगस सीरीज के। तो C3H8 LV आपको पता चला कि अभी हमने जस्ट ऊपर देखा C3H8 के बारे में, तो C3H8 जो था वो हमने कहाँ कंसिडर किया था, अल्केन में। अल्केन में जब आप कंसिडर करेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट होमोलॉगस सीरीज बताना। तो ये जो N है इसका वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो, तो एक बार यहाँ पे N3 आपको दिया ऑलरेडी तो आपको 4 लेना पड़ेगा, N5 लेना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से C4H10 आएगा और दूसरा C5NH12 आता है। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है अगर हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बेसिकली जो भी अगर आपको डिफरेंशिएशन का भी पूछा जाए तो डिफरेंशिएशन में आप 2 पॉइंट लिखे तो भी मोर देन इनफ। 2011 में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिफरेंस आपको पूछा था कि इसमें क्या डिफरेंस आता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन्स आता है तो CnH2n प्लस 2 उसका फॉर्मूला है, और अनसैचुरेटेड में हम लोग अल्केन्स एंड अल्काइन्स कंसिडर करते हैं तो आप रिस्पेक्टिवली CnH2n एंड CnH2n माइनस 2 ऐसे आप पॉइंट्स लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में। दूसरा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कभी भी ब्लू फ्लेम में बन होता है जो भी कंपाउंड्स आएंगे, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लैक फ्लेम आती है, ये आप उसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट, 2011 में डिफरेंशिएशन पूछा गया था एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ये मैंने मेरे एक्सप्लेन किया है जब मैं लेक्चर दे रहा था तो मेरे वीडियोस में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, आप प्रीवियस वीडियो जाके देखें। सैपोनिफिकेशन को भी मैंने एक्सप्लेन किया है एंड 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी मैंने लिखा था। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में लिए है, 2011 के सारे क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देखें। नेक्स्ट, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, अब 3 मार्क्स के 2015 के 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बोला था, तो एक तो इथेन है फिर इथिन है और फिर इथाइन है, तो इसके आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने थे। तो आपको पता है इथेन का जो फॉर्मूला है वो C2H6 ऐसे कुछ दिखेगा, फिर इथीन जो है इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे दिखेगा C2H4, और जब इथाइन है तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इसके डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बताते आना चाहिए, जैसे अभी मैंने आपको नाइट्रोजन के लिए बताया था, तो इस तरीके भी कुछ क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए। और नेक्स्ट, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था ब्यूटेनिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको बताना है। अब ब्यूटेनिक एसिड मतलब ब्यूट यानी कि 4 कार्बन हो जाते हैं, सो दिस इज 4 आ गया यहाँ पे। ऑइक एसिड नंबर नहीं है मतलब बाई डिफॉल्ट 1 होता है, तो बाई यहाँ पे ये ऑइक एसिड हम लोगों ने ले लिया, बाकी आप क्या करेंगे हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, ब्रोमो प्रोपेन, ये प्रोप यहाँ पे लिखा है मतलब ये 3 कार्बन, तो ये 3 कार्बन यहाँ पे आ गए, वापस डिजिट नहीं है मतलब बाई डिफॉल्ट 1, सो 1 पे हम लोगों ने ब्रोमिन लिख लिया, बाकी आप क्या करेंगे हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी इसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट, ब्यूटाइन, तो ब्यूट मतलब वापस 4, अगेन यहाँ पे 4 हम लोगों ने ले दिया, और आयनी वायनी यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे डिजिट नहीं है वापस यानी कि फर्स्ट पोजीशन, तो मान लीजिए कि ये फर्स्ट पोजीशन है, तो बाकी फिर आपको क्या करना है हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी इसको कंप्लीट करना है। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे मैं लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ। सिर्फ आपको इसका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने एक लेक्चर यहाँ पे बनाया था। थैंक यू।